इसका टाइम पीरियड नोट कर लो, इसका टाइम पीरियड होता है 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है भाई। स्वेच्छा से अपना वो क्या करते हैं, राजपाट त्याग देते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद से आपके जो ये बहलोल लोधी होते हैं वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं कौन, बहलोल लोधी, 51 से लेके 89 तक ये रहते हैं। उसके बाद से उनके पुत्र आते हैं सिकंदर लोधी, सेकंड बड़े पुत्र का देहांत हो जाता है तो दूसरे नंबर के जो पुत्र होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये तीसरे नंबर के पुत्र होते हैं, दूसरे नंबर का जौनपुर में आपका राज करता रहता है, ये तीसरे नंबर के होते हैं सिकंदर लोधी। उसके बाद से आते हैं इब्राहिम लोधी, वो होते हैं आपके 17 से लेके 26 तक, और यहीं पर आपके किसका आगमन हो जाता है, बाबर का आगमन होता है, आपका पानीपत का युद्ध होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो हम वो आगे पढ़ेंगे, आज हम बहलोल लोधी के बारे में देख लेते हैं। और ये लोधी डायनेस्टी का आपके सामने फिगर है, ये क्लियर करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये देख लीजिए। अब ये पहले ये ही दिल्ली सल्तनत मैंने आपको दिखाया था, वो चाहे खिलजी वंश हो चाहे आपका तुगलक वंश हो, कितना बड़ा सल्तनत था, पूरा दिल्ली से लेके ये अफगानिस्तान, ये बोल रहा है मुल्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र और नीचे तक पूरा साउथ के क्षेत्र तक फैला हुआ था दिल्ली सल्तनत। जैसे ही ये फिरोज शाह तुगलक आया, लोग धीरे धीरे अपना स्वतंत्र होते गए, उसे अपने राज्य का सीमा की ज़्यादा प्रवाह नहीं था, वो कहता था कि बस जो जनता है हमारे दिल्ली के आसपास वही खुश रहे, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इसी वजह से क्या हुआ, सभी लोग स्वतंत्र हो गए और दिल्ली का शासन सब पे कम पड़ता चला। और जैसे ही सैयद वंश आया उसमें ने तो पूरा रद्दी ही कर दिया दिल्ली सल्तनत को, तो सुल्तान की जो भी गरिमा थी, ठीक है, वो सब कुछ वहाँ पर खो गया। पता ही नहीं चलता था कि सुल्तान किसे कहा जाता है, किसे सुल्तान का आदेश माना जाए, किसे नहीं माना जाए। जो अपने मन के करते थे वैसा अपने मन मर्जी करते थे, इसीलिए वो लास्ट तक जाते जाते कहा गया ना कि पालम तक ही दिल्ली सल्तनत की सीमा रह गई, दिल्ली के आसपास कहीं जगह है पालम। मैंने बताया था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जहाँ है वही इस समय पालम है, तो सिर्फ उतनी रह जाती है। मगर बाद में जब लोधी बनता है बहलोल लोधी, तो वो अपनी सीमाओं को अपने क्षेत्र को कुछ बढ़ाता है, मगर वो भी उतना नहीं बढ़ा पाता है जितना खिलजी ने और तुगलक ने एमबीटी ने बढ़ाया था। तो ये कुछ बढ़ाता है आपके मुल्तान, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था उसका, वे तो उसी का क्षेत्र था, ये आपके पंजाब के साइड का, मुल्तान के साइड का, सरहिंद का जो साइड था ये उसी के कंट्रोल में आता था बहलोल के, तो ये तो कंट्रोल में था। फिर दिल्ली के आसपास और ये ग्वालियर वाला बढ़ा, इधर कुछ बिहार के साइड में जो सिकंदर लोधी जो बाता है वो बिहार के साइड, बिहार को भी अपने कब्जे में ले लेता है। और बहलोल लोधी का सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है कि इसने संघर्ष पूर्वक युद्ध किया उत्तर प्रदेश जो जौनपुर का को जीतने में, वही उसका सबसे मतलब बोल सकते हो एक तरह से उसके शासन काल में सबसे अच्छा युद्ध, और उसी को मिलाने में इसने अपना समय ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि वहाँ से और इनके बीच में दिल्ली के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। बाद में जाके अंतिम में वहाँ का शासक जो है बिहार भाग जाता है और यहाँ पे बहलोल लोधी का जौनपुर में कब्जा हो जाता है, ठीक। तो ये बाकी और जगह कई इन्होंने लड़ा था, ग्वालियर पे लड़ा था अपना, उसके बाद उसको अपने अधीन किया था, बोला था कि भैया तुम अपना जो कर है जितना पैसा होता है वो सब मुझे भिजवाते रहना। तो ये कुछ आपका रफ आइडिया देख लीजिए कि ये आपका लोधी के समय लोधी डायनेस्टी यहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है। यही छोटा सा इनका साम्राज्य था, उसके बाद से ये भी धीरे धीरे क्या होता है सिकंदर के बाद टूटना शुरू हो जाता है। और इसमें भी कहा जाता है, इतिहासकारों कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है किसका था, बहलोल लोधी का था, क्योंकि इन्होंने अफगान सरदारों को इतनी छूट दी थी कि अफगान सरदार सुल्तान को एक मामूली सरदार समझते थे, अपने मतलब अपने ही बीच का एक मुख्य सरदार समझते थे, उसे सुल्तान नहीं समझते थे। उसे इतनी फ्री दिया गया था कि बाद में जब सिकंदर लोधी उन पर शिकंजा कसता है तो वह एक विद्रोह के रूप में सामने आ जाता है और धीरे धीरे लोधी वंश का डिक्लाइन हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, ये आप देख लीजिए लोधी वंश का पूरा डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं इनमें एक एक करके, बहलोल लोधी को हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। बहलोल लोधी समय काल 51 से 89 तक, ठीक है, ये याद रखना है 51 से 89 तक इनका समय काल रहता है। आलम शाह जब दिल्ली का सत्ता त्याग दे देता है तो बहलोल लोधी जो है गाजी के नाम से आपसे पूछता है कि बहलोल लोधी किस नाम से, किस उपनाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और
ये मैंने बोला ना कि अफगान साम्राज्य का प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डालता है। तो आपसे पूछता अगर क्वेश्चन में कि दिल्ली सल्तनत में पहला प्रथम अफगान साम्राज्य कौन सा था, तो वो लोधी साम्राज्य था। ये बोला जाता है कि जो लोधी था वो अफगानी एक कबीला था जिसे बोला जाता है साहूखेला, ठीक है, अफगानी कबीले का साहूखेला शाखा का एक तरह से ये सरदार था। इसके पिता के मरने के बाद कम उम्र में ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से इसका जो लालन पालन होता है बोला जाए तो वो इसके चाचा जी करते हैं, इस्लाम खान नाम रहता है उनका, वो करते हैं। और जैसे ये धीरे धीरे बड़ा होता है अपने सैन्य कुशलता से ये पूरा का पूरा आपके सरहिंद के पास का, मुल्तान के पास का, इसे सरदार बना दिया जाता है। कौन बनाता है? सैयद वंश के सुल्तान बनाते हैं, ठीक है, मुहम्मद शाह। ठीक, उसके बाद से धीरे से जब उनके चाचा जी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद सरहिंद भी इन्हीं को दे दिया जाता है। और ये उस समय कहा जाए तो बहुत पावरफुल रूलर हो जाते हैं, आपके कहाँ के मुल्तान और सरहिंद का जो एरिया होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर बहलोल लोधी हो जाते हैं। इसीलिए जब दिल्ली पर आक्रमण होता है तो इन्हें मुहम्मद शाह बुलाते हैं। ठीक, अब ये सब किसके कैसे हमें जानकारी मिलती है? तो एक किताब है एक व्यक्ति की जिनका नाम है तारिखे दाऊदी, ये जो किताब है इस किताब से जिसके लेखक हैं अब्दुल्ला, ये इनके बारे में हमें डिटेल जानकारी मिलती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ये सुल्तान बनते हैं तो जो वजीर का पद होता है उसे समाप्त कर देते हैं। क्यों समाप्त कर देते हैं? क्योंकि यही वजीर, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह के समय में ये क्या करता है, उनके साथ बहलोल लोधी के साथ मिलकर दिल्ली की गद्दी को हथियाना चाहता है। ठीक है, कि कहता है कि इनका वजीर जो रहता है अलाउद्दीन आलम शाह का, वो कहता है कि मैं दिल्ली की गद्दी पर राज करूंगा, बहलोल तुम मेरा साथ दो। मगर बहलोल क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसका जो पासा होता है वो उल्टा कर देते हैं, उसे हरा के अपने जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं एक तरह से। ठीक, क्योंकि ये तो छोड़ के चला ही जाता है अपना राजपाट पूरा, मगर वो जो उसका वजीर होता है वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये अपने जितने भी समस्याएं थी राज को उसको सुलझाने में लग जाते हैं। सबसे पहली समस्या क्या थी, कि पहली समस्या तो यही थी कि सुल्तान की जो गरिमा थी, जो सैयद वंश वालों ने क्या किया था, एकदम ख़त्म कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था, उसे बनाने में लग जाते हैं। ठीक, उसके बाद से जो ये अफगान से इनके सरदार होते हैं, अफगान से आए होते हैं, अफगानियों के ये बुलाते हैं अपने जो कबीले के सरदार होते हैं उनको भी, यहाँ बोलते हैं कि आप लोग दिल्ली में आइए बसिए, उनका आदर सत्कार जो है करने लगते हैं। जिसके कारण क्या करते हैं, वो जब बनते हैं लोधी तो उसमें उनको सभी को जितने भी अफगान सरदार होते हैं वो कहते हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, और सच में रोल होता है जब ये आते हैं आक्रमण करने दिल्ली पर तो वो लोग इनका काफ़ी साथ देते हैं। इसीलिए बहलोल लोधी जो है जब भी दिल्ली पर गद्दी पर बैठता था तो जब भी वो सरदार इनसे मिलने आते थे तो वो गद्दी सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता था उनके सामने, और जो भी मीटिंग उनसे सरदारों से करता था अफगान के सरदारों से, वो कालीन पर बैठ कर नीचे बैठ कर करता था, ठीक है, उनके सामने गद्दी पर नहीं बैठा था। तो यही आपका जो लोधी एक तरह से बोला जाए राज दरबार लगता था वो नीचे ही लगता था। ठीक, बाद में चल के इसे इसके बेटे ने सिकंदर ने जो सुल्तान की गरिमा है काफ़ी कस दिया, अफगानों के जो सरदार थे उन पर भी शिकंजा कस दिया कि नहीं तुम सुल्तान की आज्ञा मानो, सुल्तान जो कहेगा, मतलब ये सुल्तान कोई आप लोगों के बीच का व्यक्ति नहीं है, ठीक है, आप लोगों से सर्वश्रेष्ठ है इसीलिए उसका आदर सम्मान करो। और ये ईगो पे लग गया अफगान सरदारों को और धीरे धीरे वो विद्रोह कर गए और इसी तरह लोधी वंश का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो इसमें ना बोला जाता कई इतिहासकार कि लोधी वंश के समापन मतलब डिक्लाइन के सबसे बड़ा हाथ इसी को मानते हैं, बहलोल लोधी को, क्योंकि यह अगर ये छूट नहीं दिया होता अफगान सरदारों को तो लोधी वंश का विघटन नहीं होता, टूटता नहीं। ठीक है, मगर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बहुत सही राजा था, बहुत सही सुल्तान था, क्योंकि इसने अफगानों का जो है उस पर भी कंट्रोल किया, प्लस सुल्तान की गरिमा भी बनाए रखा, मतलब सभी कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक राज को जैसे मेंटेन करके चलना चाहिए था वैसे ये चलता था। ये नहीं कि किसी को बहुत, ठीक है, अफगानों को ज़्यादा छूट दिया था, काफ़ी मात्रा में जमीन दिए थे, ठीक है, जमींदारी उनको दे दिया था, काफ़ी मात्रा में धन दौलत दिया था बाकियों की अपेक्षा, ठीक है, तो इस वजह से ये लोग सुल्तान को उतना नहीं समझते थे, मगर ये जानते थे ये जो सुल्तान है वो हमारे बीच का एक सरदार है, प्रमुख सरदार है। ठीक, ऐसी इसकी इमेज बनी थी उनके बीच में।
बाद में जो ऐसा नहीं था कि जो किसी इसके अपोज में खड़ा हो जाता था तो उसको छोड़ देता था बहलोल लोधी, नहीं, वो चाहे कोई भी सरदार हो, ऐसी माइंड से था, ऐसा स्ट्रेटेजी से उनके साथ लड़ता था कि वो लोग समझ ही नहीं पाते थे कि कैसे ये मेरे साथ, मतलब क्या करता था कि जैसे जो सरदार हैं अफगान के, सपोज करो किसी एक ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, वो पहले जाएगा चारों दसों सरदारों से मिलेगा, चापलूसी खब उसके बारे में करेगा, मतलब अपने राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए, सबको खुश करने के लिए, मतलब इसको जो भी पैंतरा अपनाना था, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना था सब अपनाता था। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना कि कोई एक इसके खिलाफ हो गया बाकी लोग इसके साथ हैं, तो वो सबको उसके खिलाफ पहले भड़का देगा। ठीक है, ये चुगली खोरी कर देगा कि नहीं, ये सरदार जो है भाई साहब आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, उनसे जाके कहेगा भाई साहब आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, तो जान जाते हैं कि नहीं बलो सही कह रहा है। और जब और भी सरदार उसी के बारे में अपोज करने लगेंगे तो सब जान जाएंगे हाँ ये इसी में कुछ खोट है, सुल्तान में नहीं है। ठीक, तो बहुत चालाकी से जो जो भी इसका अपोज करता था उसको रास्ते से हटा देता था। कहा भी आता कई इसने आक्रमण किए, तभी आपका ये पूरा का पूरा जो पालम तक था उस क्षेत्र को बढ़ाया, जो सैयद वंश की जो सीमा थी बहुत कम हो गई थी दिल्ली सल्तनत की, उस सीमा को इसने बढ़ाया। आपके कहाँ पे ग्वालियर पर अटैक किया, राजस्थान में किया, आपके इटावा पे उत्तर प्रदेश में किया, मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो बोला जाए इसका जो सफल आक्रमण था वो जौनपुर का आक्रमण था जब 1484 में किया था। अब यहाँ पे भी कहानी ऐसी है, सुन लो, कि जब ये सुल्तान बनता है, गद्दी पर बैठता है, तो जौनपुर पे जो है अलाउद्दीन आलम शाह की बिटिया का ब्याह हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो महमूद शाह एक तरह से होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको हमेशा जो, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली पे किसका सुल्तान रहता है, बहलोल रहता है, और वो सैयद वंश की जो बिटियाँ हैं वो जौनपुर पे रहती हैं, तो वो चाहते हैं कि जो उनका दामाद है वो दिल्ली पर राज करे। ठीक, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसी का तो बनता है, सैयद वंश के तो एक वही बचे हैं दामाद ही उनके, तो वो चाहती है कि यह जाके दिल्ली सल्तनत पे राज करे। तो वो आक्रमण करते हैं बहलोल पे, हार जाते हैं क्योंकि बहलोल तो ताकतवर होता है, कई बार आक्रमण होता है, फिर बाद में ये इनके बीच में वो हो जाता है, जान जाते हैं कि भैया हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, ये भी हार मान जाते हैं, पत्नी के कहने पे आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो कभी कभी जाके अटैक कर देते हैं, फिर बाद में शांत हो जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इनका बेटा आता है, ठीक है, वो भी कुछ दिन तक रहता है, आक्रमण करता है, मगर वो दिल्ली पे कभी आक्रमण करता है तो कभी उसके इंटरनल जो जौनपुर में विद्रोह होते हैं उसके वजह से वो क्या होता है अपने राज्य को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो यहाँ उसके जो भाई होता है, ठीक है, वो क्या करता है उसको मारकर अपने गद्दी पर बैठ जाता है। और वो कौन रहता है, हुसैन शाह रहता है, हुसैन शाह अपने बड़े भाई को मारकर गद्दी पर बैठ जाता है। जो जौनपुर में वंश था वो सरकी वंश था, सरकी वंश किया सैयद वालों ने अपनी बिटिया का ब्याह किया था। ठीक, तो उसी सरकी वंश का आपका जो बोल सकते हो लास्ट रूलर हुसैन शाह, वो अपने भाई को मारकर जौनपुर की गद्दी पर बैठता है, तो वो कुछ देर के लिए दिल्ली और जौनपुर के बीच की जो लड़ाई है वो शांत हो जाती है। सबसे ज़्यादा लड़ाई इसी के लिए हुआ, जौनपुर बहलोल ने सबसे ज़्यादा टाइम यहीं वेस्ट किया अपना, क्योंकि दोनों तरफ टक्कर के युद्ध होते थे। ठीक है, दोनों तरफ के जो राजा थे वो शक्तिशाली थे, दोनों तरफ टक्कर का युद्ध होता था, तो वो कभी हार मान जाते थे, मतलब संधि का ज़्यादा, ठीक है भैया, फिर दोनों में खून उबलता था, फिर दोनों उठते थे, फिर जाते थे लड़ते थे, फिर कोई संधि होती थी कुछ देर 1-1.5 साल, फिर शांत रहते थे। ऐसे करते करते इनके भी कुछ राजा निपट गए और उनके भी कुछ आपके सेनापति निपटते चले गए। तो बाद में जब हुसैन शाह आया तो इसकी भी महत्वाकांक्षा बहुत थी, ये भी चाहता था कि दिल्ली पर हम राज करें, ये भी दिल्ली पर अटैक करता है, कुछ दिल्ली के जो उनके बहनोई को कैद कर लेता है बहलोल लोधी के, अब उनके बहनोई को कैद कर लेता है और वो जो बहलोल लोधी उनके भाई को कैद कर लेते हैं, इससे छोटा भाई था हुसैन शाह से छोटा भाई, अब दोनों को कैद कर लेते हैं। उसके बाद से फिर संधि होती है, दोनों लोग जिसको जिसको कैद किए रहते हैं छोड़ते हैं, फिर कुछ देर तक 1 साल तक संधि पे टिका था, फिर अटैक होता है जौनपुर को पाने के लिए। तो इसमें कई बार बहलोल लोधी जो है इनकी पत्नी को क्या करता है, कैद करके लेके चला जाता है, फिर बाद में बहुत उदार रहता है, बहुत ईमानदार व्यक्ति रहता है, तो छोड़ भी देता है जब युद्ध समाप्त हो जाता है। एटलीस्ट लास्ट में कब 1484 में बहलोल लोधी जौनपुर पर भारी मात्रा में सैनिक के साथ आक्रमण करता है और ये हुसैन शाह सरकी जो है भाग जाते हैं, कहाँ, बंगाल भाग जाते हैं।
और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में ये आखिरकार में मिला लेता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो मतलब इतना युद्ध करने के बाद जौनपुर को अब हासिल करता है और अपने पुत्र को वहाँ का शासक बनाता है जिसका नाम रहता है बर्बरक शाह। ठीक है, बर्बरक शाह नाम रहता है, वो यहाँ की गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो जब बहलोल लोधी मरता है तो सुल्तान दिल्ली का बनने के लिए इसका भी नाम आता है, लेकिन जो इससे छोटा वाला भाई रहता है वो बहुत चालाक रहता है। ठीक, इसे यहाँ का गोली देख के जौनपुर का अपने दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। फिर क्या होता है, इसने फिर उत्तरी बिहार पर दरभंगा के शासक किरत सिंह को भी पराजित किया, मतलब बिहार तक गया, वहाँ पे उनके वहाँ के राजा को भी पराजित किया और अपने अधीन कर लिया कि भैया तुम मुझे जो है सालाना कुछ ना कुछ रुपया भिजवाओ दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, राजकोष में। तो वो भी राजी हो जाते हैं। ग्वालियर पर अटैक करता है, कहाँ पे, मान सिंह वहाँ के शासक होते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण रूप से उनको अपने अधीन नहीं कर पाता है, ठीक है, जीत नहीं पाता है। फिर वहाँ से जो है हार के वापस आता है और उसी समय क्या होता है, इसका जो बेटा होता है, जो आपका समझ लो कि मुल्तान के आसपास में, उसे नियुक्त किया गया रहता है सरदार। मंगोलों का आक्रमण होता रहता है, उसी में एक समय जब मंगोल का आक्रमण होता है तो वो तो जीत जाता है, मगर दूसरी बार जब मंगोल का आक्रमण होता है तो वो उसे मार देते हैं, उसके सबसे बड़े बेटे को। ठीक, और उसी बड़े बेटे की मृत्यु की जब खबर ये सुनता है, जब ये ग्वालियर आक्रमण पे गया रहता है, और जब इसी वजह से क्या करता है, उसका मनोबल डाउन हो जाता है और ग्वालियर आक्रमण जो है ये हार जाता है। तो वापस लौटते समय अपने बेटे के शोक में, ठीक है, इसकी तबीयत जो है डाउन हो जाती है और धीरे धीरे ये इसकी तबीयत और ख़राब होती चली जाती है और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब बोला जाता है कि इसने मतलब बहुत बूढ़ा भी हो गया था, 80 वर्ष का हो गया था, 80 वर्ष का होने के बाद ये दिल्ली की गद्दी संभाल रहा था। कुछ लोग इसे जो बोलते हैं कि ये बहुत उदार था, हिंदुओं के प्रति बहुत इसकी कट्टरता नहीं थी, मतलब बहुत कट्टर राजा नहीं था, मगर यही उसका पुत्र जब आता है सिकंदर लोधी, वो बहुत कट्टर था, वो हिंदुओं के प्रति तो एकदम कट्टर था, ठीक है, जैसे और मुस्लिम राजा हुए। तो ये हिंदुओं के प्रति जो है कुछ उदार भाव था इसके मन में, इसीलिए इसने अपने जो है राज में कुछ कर्मचारी हिंदुओं के रखे थे, जैसे कौन कौन था, राय करण सिंह थे, राय करण सिंह कौन, वही बिहार वाले आपके, राय प्रताप सिंह, नरसिंह, त्रिलोकन चंद, ये सब मिलता है नाम उनके प्रशासन में। तो इससे ये कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि अपने हिंदुओं को भी अपने उसमें शासन व्यवस्था में रिक्रूटमेंट किया था। ठीक, इसके बड़े बेटा, सबसे बड़ा जो बेटा वो मरता है उस पे मंगोल आक्रमण में, क्या नाम था, मोहम्मद खान नाम था, ये मंगोल आक्रमण में मर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके शोक में उसकी मृत्यु, बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इनके बहुत ज़्यादा इनका कोई खासा रोल नहीं रहा, लोधी वंश की सिर्फ स्थापना करते हैं। और एक जौनपुर का अटैक आपसे अगर पूछता है कि जौनपुर का कब्जा किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने किया था, और अपने नाम के ये सुल्तान थे तो भैया अपने नाम से खुतबा पढ़वाए थे, सिक्के चलवाए थे, बहलोली सिक्का जो चलवाया था वो काफ़ी देर तक चलता रहा, अकबर के समय काल से बोला जाता है कि उससे कुछ पहले तक इनके जो सिक्के चलाए गए थे वो चलता था। ठीक है, तो ये हो गया आपके बहलोल लोधी के बारे में। आगे हम बात करेंगे सिकंदर लोधी के बारे में, ठीक है, अगला हमारा जो सेशन होगा उसमें सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी दोनों को हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, उसके बाद से लोधी वंश आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ आपसे हम सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में बात करेंगे, वहीं पानीपत का युद्ध भी डिस्कशन करेंगे। तब तक सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दो और शेयर कर दो।